अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू मेरे अज़ीज़ दोस्त, उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग खैरियत से होंगे। मैं भी खैरियत से हूँ। आज हम एक नई वीडियो के साथ आए हैं इस्लामिक वर्ल्ड चैनल में। बस दो चीज़ों का सदका दे दो, ज़िंदगी की हर हाजात पूरी हो जाएगी, मुसीबत परेशानियाँ दूर हो जाएंगी, आप पर रिस्क की बारिश होगी। वो कौन सी दो चीज़ें हैं जिनका सदका देने से हमारी ज़िंदगी में बहुत रिस्क की बारिश हो जाएगी? वीडियो पूरी एंड तक देखिए, आपको पता चल ही जाएगा। चलिए हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। सदका बलाओं को टालता है, मुसीबतों और परेशानियों से निजात दिलाता है। सदका अल्लाह तबारक व ताला के बस बाअज्र व सवाब का ज़रिया है। इस वीडियो में बताया जाएगा कि किन दो चीज़ों का सदका देने से दौलत की का अंबार घर में आना शुरू हो जाते हैं। आपने बस दो चीज़ों का सदका देना है और दौलत रिस्क भागता हुआ आपके पास आएगा। घर से परेशानियां, बंदिश, बीमारी और परेशानियों का खात्मा हो जाएगा। दौलत ही दौलत होगी, खुशियां ही खुशियां होंगी। सदके को देने के लिए आपका दौलतमंद या अमीर होना शर्त नहीं है। गरीब से गरीब शख्स भी आसानी से यह सदका दे सकता है और अपनी किस्मत और तकदीर को बदल सकता है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश करेंगे कि आप जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, और आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए ही आपकी ज़रूरत की वीडियो लेकर आते हैं। दोस्तों, वीडियो पूरी ज़रूर देखना और दिल खोल कर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना। वीडियो के आखिरी में आपके लिए बहुत सी प्यारी सी दुआ की गई है, तो आप उस दुआ में ज़रूर शामिल हूँ, इससे आपका बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होगा। मेरे प्यारे दोस्तों, आज इस वीडियो में हम आपको इस्लामी तालीमात की रोशनी में तीन ऐसे सदक़े के बारे में बताएंगे जिनमें से सिर्फ आप कोई सा भी दो सदका देना शुरू कर देते हैं तो आपकी तकदीर और किस्मत ऐसे बदलेगी कि आपको ख़ुद भी यकीन नहीं आएगा। आपकी ज़िंदगी और घर से गुर्बत का मुकम्मल तौर से खात्मा हो जाएगा और दौलत ही दौलत और खुशियां ही खुशियां होंगी। इसके लिए आपने बस तीन में से कोई सी भी दो सदक़े को देना शुरू कर देना है, और इसके लिए आपको ना तो ज़्यादा पैसों की ज़रूरत है और ना ही आपका दौलतमंद होना ज़रूरी है। अगर आपके घर में कोई शख्स बीमार था या बीमारी थी तो आपके घर में से परेशानियों और बीमारियों का खात्मा हो जाएगा। आप और आपके घर वाले बलाओं और मुसीबतों से दूर रहेंगे। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इंसान के हर जोड़ और हर ओज़ो पर सदका वाजिब है। इसी तरह एक दूसरी जगह पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम में से जो आदमी सुबह ये काम करता है यानी सुबह का सूरज देखता है, उसके हर जोड़ पर सदका वाजिब हो जाता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस सदक़े की रोशनी में हमें पता चलता है कि जैसे ही अगले दिन का सूरज हमें दिखाई देता है तो हमारे जिस्म में मौजूद तकरीबन 360 जोड़ों पर सदका वाजिब हो जाता है। इन हमें से कितने ऐसे लोग हैं जो कि अपने ऊपर वाजिब होने वाले इस सदक़े को देखते हैं? हमें से ज़्यादातर लोग तो इसी सूरत में सदका देते हैं जब हम बीमार होते हैं या हम पर कोई बड़ी मुसीबत नाजिल होती है, लेकिन इससे पहले तो सदका देने का ख्याल ही हमारे जहन में नहीं आता है। यही वजह है कि हमारी ज़िंदगियों में मुसीबतें, परेशानियाँ, तकलीफ़ और तंगी आती चली जाती हैं और हमारी समझ में ये बात नहीं आ रही होती है कि हम अपनी ज़िंदगी में ऐसे कौन सी गलती कर रहे हैं जिसकी वजह से हमारी ज़िंदगी में मसले और परेशानियाँ बढ़ती चली जा रही हैं, हम पर बलाएं नाजिल हो रही हैं, हम पर रिस्क की तंगी नाजिल हो रही है और हम मुसलसल परेशानियों के बोझ के नीचे दबते चले जा रहे हैं। दरअसल ये सब कुछ सदका ना देने की वजह से हो रहा है। इन तीन सदकों के बारे में जानने से पहले कि जिनमें से पहले आप कोई से भी दो सदके देना शुरू कर सकते हैं, जान लीजिए कि इस्लामी तालीमात की रोशनी में सदका किस किस तरीके से दिया जा सकता है और सदक़े के कौन कौन से फ़ायदे हो सकते हैं। इन बातों के बारे में जानना हमारे लिए इंतहाई ज़रूरी है कि सदक़ा आखिर क्यों दिया जाता है। इस्लामी तालीमात और नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मुख्तलिफ़ इरशादात की रोशनी में हमें पता चलता है कि
आसमान से बलाएं नाजिल की जाती हैं। ये बलाएं अपने साथ मुख्तलिफ बीमारियां, मुसीबतें और परेशानियां लेकर आती हैं। कोई बला अपने साथ बीमारी लाती है तो कोई हादसा तो कोई रिस्क की तंगी। लेकिन सदका देना हमें न सिर्फ इन बलाओं से बचाता है बल्कि परेशानियों से भी बचाता है। सदके की वजह से हमारी रिस्क और दौलत में भी इजाफा होता है और घर में बरकत आती है। इसके अलावा हमें यह भी पता चलता है कि सिर्फ माल खर्च करके ही सदका नहीं दिया जाता, बल्कि अगर आप किसी को सलाम करने में पहल करते हैं, पानी पिलाते हैं, दो आदमियों के दरमियान सुलह करवाते हैं, किसी को सवारी चढ़ने में मदद करते हैं, किसी को अच्छी बात बताते हैं, तो ये सब सदका करने के मुख्तलिफ तरीके हैं। इसी तरह हर नमाज के लिए जो आप कदम बढ़ाते हैं तो हर एक कदम सदका है। रास्ते में रुकावट और पत्थर वगैरह को हटा देना भी सदका है। दूसरों को फ़ायदा पहुंचाना, किसी को दुआ देना, किसी को पढ़ाना, किसी को कोई काम सिखाना, किसी को अच्छी बात बताना, हत्ता कि किसी को मुस्कुराकर देखना सदका है। किसी मुसीबत में फंसे इंसान की मदद करना, वक्त निकालकर अपने माँ बाप के साथ बैठना, किसी की तबीयत के बारे में दरियाफ्त करना, बीमारी की आयत करना, किसी परेशानी या आजमाइश पर सब्र करना, नेकी का हुक्म देना और बुराई से रोकना, किसी की गलती को माफ़ कर देना उसके बावजूद कि आपके पास उसका सज़ा देने का अख्तियार मौजूद हो, यहाँ तक कि अपनी बीवी को अपने हाथों से कुछ खिलाना और उससे प्यार मोहब्बत की बातें करना भी सदका है। नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के साथ मुबारक है कि जो इंसान सदका नहीं देता वह कभी भी आग से आज़ादी नहीं पा सकता। जिस काम का आगाज़ भी सदका देकर किया जाता है उस काम में बरकत और अल्लाह की रज़ा शामिल होती है। मेरे प्यारे दोस्तों, इस वीडियो में तीन सदक़े के बारे में बता रही हूँ। इन तीन सदक़ों में से बस आपको दो सदका कर देना शुरू करना है और 10 दिनों के अंदर आपको इन सदक़ों के करिश्मात और करामात अपनी आँखों से नज़र आएगी। जो शख्स यह सदका दे रहा है उसकी ज़िंदगी में कभी भी दौलत की कमी और रिज़्क़ की तंगी मसले मसाइल नहीं आते, रिज़्क़ और दौलत पर उस पर बरसती रहती है। पहला सदका यह है कि किसी भी चौपाए को खाना देना या पानी डालना। चौपाए उन जानवरों को कहते हैं कि जिनकी चार टांगे होती हैं, जैसे कि बिल्ली, कुत्ता, बकरी, गाय या दूसरी चार टांगे वाले तमाम जानवर उनमें से शामिल हैं। तो जो शख्स भी किसी अपनी हैसियत और तौफीक के हिसाब से किसी भी चौपाए को खाना डालना शुरू कर देता है, बशर्ते कि वे उसकी अपनी मिल्कियत ना हो, आप अपनी मर्ज़ी से किसी भी चौपाए को खाना या पानी वगैरह डाल सकते हैं। एक शख्स हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की खिदमत में हाज़िर हुआ और अर्ज़ किया, या अली, मैं रोज़ाना काम पर जाता हूँ और सब मेहनत करता हूँ लेकिन फिर भी गुरबत मेरा पीछा नहीं छोड़ती है, मैं क्या करूँ। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उस शख्स के जानिब देखा और इरशाद फरमाया कि ए शख्स, तुम अपने रिस्क में से अल्लाह तबारक व ताला के गैर मखलूक को देना शुरू कर दो, अल्लाह तबारक व ताला तुम्हारी गुरबत और मुफलिसकी को ख़त्म कर देगा। यह सुनकर वह शख्स कहने लगा कि मैं तो नहायत ही गरीब और मुफलिस शख्स हूँ, भला मैं किसी को क्या ही दे सकता हूँ। यह सुनकर हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला ने मुस्कुराए और इरशाद फरमाया, क्या तुम्हारे घर में खाना होता है। वह शख्स कहने लगा कि हाँ होता है, या अली, मैं दो बार खाना खाता हूँ। अली ने फरमाया कि ये शख्स अपने रिस्क में से अल्लाह के गैर मखलूक को भी दो, फिर चाहे अनाज के दो दाने ही क्यों ना हों लेकिन ज़रूर दो, फिर चाहे जानवरों को दो या परिंदों को दो। जब तुम अल्लाह तबारक व ताला की गैर मखलूक को देना शुरू करोगे तो अल्लाह तुम्हारी रिस्क से हर किस्म की परेशानी और तंगी को खात्मा कर देगा और तुम्हारे घर में इतना पैसा दौलत हो जाएगी कि उन्हें रखने के लिए घर में जगह कम पड़ जाएगी। मेरे प्यारे दोस्तों, दूसरी किस्म का जो सदका है वो ये है कि हर जुमेरात वाले दिन किसी भूखे को खाना खिलाना। इस्लाम के मुताबिक किसी भी भूखे को खाना खिलाना और किसी भूखे को की भूख मिटाना अफजल तरीन कामों में से एक काम है। इस्लामी तालीमात की रोशनी में हमें पता चलता है कि इंसान अपने जिस काम में भी आसानी चाहता हो, यानी वह चाहता है कि मेरे इस काम में आसानी पैदा हो जाए, तो उसे चाहिए कि दूसरों के उसी काम में आसानी पैदा करना शुरू कर दें, तो अल्लाह तबारक व ताला उसके उस काम में आसानियाँ पैदा करना शुरू कर देंगे और उससे उस काम के मुतालिक हर किस्म के मसले और परेशानियां हटा ली जाएंगी।
इसलिए अगर आप चाहते हैं कि इसके हवाले से आपके जितने भी मसले और जितनी भी परेशानियां हैं सब ख़त्म हो जाएं और किसी भी किस्म की रिस्क की तंगी बाकी ना रहे, आपके घर में ज़रूरत से ज़्यादा दौलत, रिस्क और पैसा आने लगे, या दूसरे लफ्ज़ों में ये कह लें कि आपके घर में रिस्क की बारिश होने लगे, पैसा और दौलत बारिश की तरह बरसने लगे, तो आप ये काम ज़रूर शुरू करें। अगर आपकी हिम्मत और हैसियत है तो आप किसी भूखे को ज़रूर खाना खिलाना शुरू कर दें। अमूमन कहा जाता है कि जुमेरात को ही खाना खिलाना अफजल है, लेकिन ये बात भी ज़रूरी नहीं। आप हफ्ते में किसी भी दिन भी खाना, किसी भी वक्त भी किसी भी भूखे को खाना खिला सकते हैं। मेरे प्यास तो मेरे आंखों देखा वाकया है कि एक शख्स जिसकी हालत बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन जब उसने हर हफ्ते में से किसी एक गरीब को और भूखे को खाना खिलाना शुरू कर दिया तो देखते ही देखते उसके हालात बेहतर होने लगे। जब अल्लाह तबारक व ताला ने उस पर रिज़्क के बंद दरवाज़े खोल दिए तो उसने भी हफ्ते के एक दिन की बजाय हफ्ते के सातों दिनों में भूखों को खाना खिलाना शुरू कर दिया, और फिर यूँ हुआ कि उस पर अल्लाह तबारक व ताला की जानिब से रिज़्क की बरसात होने लगी। यही वे वक्त था कि जब उसने रोज़ाना कई गरीब और भूखे अफराद को खाना खिलाना शुरू कर दिया। उसके दिन फिरते हमने अपनी आंखों से देखा है, और तब से ही मैं ख़ुद भी उस काम पर अमल करती हूँ और सबको ये अमल बताती हूँ। आप जितना भी हिम्मत रखते हैं उतना ही खिलाना शुरू कर दें। आपका ये अमल आपकी दुनिया और आखिरत को यूँ संवार देगा कि आपको ख़ुद भी यकीन नहीं आएगा। किसी भूखे को खाना खिलाना ना सिर्फ आपके लिए रिस्क और दौलत के तमाम मसाइल को हल कर देगा, बल्कि आपकी आखिरत भी संवार देगा। अब ये भी जान लीजिए कि तीसरा सदका है परिंदों को दाना और पानी डालना। बाबा फरीद रहमतुल्ला अलैह ने एक मरतबा इरशाद फरमाया था कि कभी भी कोई चिड़िया भूखी नहीं सोती, तमाम चिड़ियां पेट भरकर सोती हैं, और उसकी वजह यह है कि चिड़ियों का अल्लाह तबारक व ताला पर कामिल यकीन और भरोसा होता है। क्योंकि परिंदों का रब तबारक व ताला पर कामिल यकीन ये होता है कि हमारा रब हमें कभी भी भूखा नहीं रहने देगा। लिहाजा जिस किसी इंसान को भी रिस्क की तंगी हो या कोई मुसीबत और परेशानी हो तो उसे चाहिए कि अल्लाह की इस मखलूक को खाने पीने का बंदोबस्त कर दिया करें। सुबह उठकर सबसे पहले नमाज अदा करें और फिर परिंदों के लिए हस्ब तौफीक दानों का बंदोबस्त करें, और अगर दानों की तौफीक ना हो तो पानी का बंदोबस्त ही कर दिया करें। इस काम को आप अपने मामूल बना लें तो इंशाल्लाह तबारक व ताला इस अमल की बरकत से आपकी रिस्क की तमाम परेशानियां और इसके अलावा तमाम दूसरी परेशानियां भी हल हो जाएंगी। अल्लाह तबारक व ताला पर उसकी रिस्क और दौलत के ऐसे दरवाजे खोलेंगे कि उसको जितना भी चाहे वह दुआ करेगा उसे अता कर दिया जाएगा। जान लीजिए कि जो शख्स भी परिंदों को दाना पानी डालना अपना मामूल बना लेता है तो परिंदे भी उसके लिए दुआ करते हैं, जिसके बाद उस शख्स के रिस्क, दौलत और पैसे में कभी भी कमी नहीं आती। अल्लाह तबारक व ताला से दुआ है कि तमाम लोगों की रिस्क की जितनी भी परेशानियाँ और दूसरे जो जो भी मसाइल हैं उन्हें भी अपनी रहमत और कुदरत से हल फरमा दें। आमीन। दोस्तों, इस वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसको शेयर करिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, और ज़्यादा से ज़्यादा सवाब जारी के तौर पर शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए चैनल को। बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलिए। हमने वीडियो के शुरू में कहा था कि हम वीडियो के अंत में दुआ ज़रूर करेंगे, तो चलिए हम अपनी दुआ शुरू करते हैं। अल्लाह तबारक व ताला जिनकी भी परेशानियां हैं, जो परेशान हैं उन सबकी परेशानियों को दूर फरमाए। जिन पर मुश्किलात आन पड़ी है अल्लाह तबारक व ताला उनकी मुश्किलात में आसान फरमाए। जो गरीब हैं, मुफलिस हैं, अल्लाह तबारक व ताला उनकी गरीबी और उनकी मुफलिसी को दूर फरमाए। उनके ढेरों सारी माल और दौलत अता फरमाए। जो कर्ज़दार हैं, कर्ज में डूबे हुए हैं, अल्लाह ताला उनको कर्ज से निजात अता फरमाए। जिनके घर और कारोबार में बरकत नहीं है अल्लाह ताला उनके घर और कारोबार में बरकत अता फरमाए।
जो बीमार है अल्लाह ताला उनको शिफा कामिला अता फरमाए। जिनके घर में लड़ाई झगड़े परेशानियां भला टेंशन रंज आलम मसले मसाइल हैं अल्लाह ताला उनको इससे निजात अता फरमाए। जिनकी शादी नहीं हो रही, जिनके रिश्ते नहीं आते अल्लाह तबारक व ताला उनके नेक रिश्ते अता फरमाए, उनकी शादी हो जाए। जिनकी औलाद नहीं है अल्लाह ताला उनको नेक साले औलाद अता फरमाए। जिनके बेटा चाहिए अल्लाह तबारक व ताला उनको बेटा अता फरमाए। जिनको बेटियां चाहिए अल्लाह तबारक व ताला उनकी बेटियां अता फरमाए। जितने लोग कमेंट में दुआ के लिए कहते हैं उनकी जो भी नेक और जायज़ हाजात है अल्लाह तबारक व ताला उसको पूरा फरमाए। उनकी जो भी मकसद मुराद है तमन्ना है आरजू है अल्लाह तबारक व ताला उसको पूरा फरमाए। अल्लाह ताला हम सबको नेक और हक़ के रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए। चलिए हम अपनी वीडियो यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो देखने का आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।